इस पॉप का नारियल का पॉप बनाने का तरीका देखने के लिए मेरे चैनल को अंत तक देखते रहिए। मैं कैसे बनाता हूँ, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने वाला हूँ मैदे और नारियल मिला के एक पॉप, ठीक है। जो यह हम लोग का यहाँ का ट्रेडिशनल, वो जैसे कि कोई संक्रांति वगैरह होता है, कोई मतलब कि ओकेशन होता है, तो हम लोग ऐसे बनाते हैं। अभी मैं इसमें यूज़ करूँगा जो मैदे पे जो कंटेनर पे लिया था मैंने, उसमें पानी, गर्म पानी और थोड़ा सा चीनी मिला दिया है। इसको अभी इसमें मैं ऐड करूँगा, ठीक है। गर्म पानी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि गर्म पानी से मैदा जब हम लोग मिक्सिंग करते हैं तब अच्छे से मैदा मतलब कि रोटी जो है वह एकदम बढ़िया बनता है, ठीक है। इसलिए जब पॉप बनाना पड़ता है तब रोटी को अच्छे से एकदम बढ़िया बनना चाहिए हमेशा, ठीक है। ठंडा पानी दोगे तेल ज़्यादा लगेगा और जो पॉप वगैरह बनाओगे वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हमेशा गर्म पानी, उबला हुआ पानी यूज़ करो, तब जाके पॉप वगैरह अच्छा होता है। अभी मैंने जो कंडर पे जो नारियल जो बना के रखा था मैंने, उसको ग्राइंड करके रखा था। अभी इसको खाली एक कढ़ाई पे, इसको मैं खाली कढ़ाई पे फ्राई करूँगा। कोई ऑयल वगैरह यूज़ मत करना आप लोग, ऑयल यूज़ करोगे बर्बाद हो जाएगा नारियल। सिर्फ इसको खाली तवे पे हमेशा फ्राई करना है, ठीक है। अच्छे से भुनो, थोड़ा आग को थोड़ा धीमी करके इसको फ्राई करना है। कोई ज़्यादा आग दोगे ये जल जाएगा जल्दी से, इसलिए। अभी इसको आप लोग एक अच्छे से इसको हिलाओ, अच्छे से हिलाते रहो इसको, क्योंकि जल ना जाए, जलेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए। बाद में इसमें मैं चीनी ऐड करूँगा, चीनी वगैरह वो आप अभी चीनी डालना है आप लोग को थोड़ा थोड़ा, जितना आप लोग को क्वांटिटी चाहिए चीनी का वो ही डालना है, ठीक है। चीनी डालने के बाद इसको हम लोग मिक्सिंग करेंगे, चीनी को ऐड करेंगे अच्छे से। अच्छे से ऐड करने के बाद देखो कितना, ये देखो कितना गोल्डन कलर का हो गया ना, कितना बढ़िया बढ़िया निकला है देखो। ये देखो मैंने रोटी ले लिया है, अभी इसमें नारियल को डालूँगा। नारियल को डाल के आप लोग को धीरे से करना है इसको, आप लोग फोल्ड करके जो मैंने एक डिज़ाइन लिया है उसको ऐसे दबाना है, ठीक है। जल्दी से मत करो नहीं तो टूट जाएगा। अच्छे से इसको निकाल दो जो साइड में है, निकाल के ये देखो कितना खूबसूरत बन गया, देखो कितना अच्छा डिज़ाइन निकला है, देखा। इसको मैं हाथों से बना सकता था। अभी मैं कढ़ाई पे ऑयल डालूंगा, ठीक है। ज़्यादा ऑयल मत डालूंगा, जितना चाहिए उतना ही डालूंगा मैं। अभी डाल के इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। और जो पॉप बनाए देखो कितना बनाया मैंने, और भी बनाया है, बाद में दिखाऊंगा। अभी इसको थोड़ा सा अच्छे से गर्म बना देते हैं हम लोग। देखो गर्म हो रहा है, पॉप डालूंगा अभी मैं कढ़ाई पे। ये देखो अच्छे से धीरे से डालना है, कोई जल्दी मत करो, जैसे हाथ जल जाए अच्छे से डालना है। और जितना जगह है उतना ही डालना है, एक के ऊपर एक मत डालो, नहीं तो वो बाहर से पकेगा नहीं, अंदर से तो ऑलरेडी फ्राई है वो, नहीं बाहर से अच्छा नहीं होगा, ठीक है। जलाना नहीं है पॉप को। देखो कितना सारे फायर हुआ है, इसको पलट देना है आप लोग को टाइमली, ज़्यादा जलाना नहीं है आप लोग को। ये देखो कितना अच्छी तरह से हो रहा है, क्या बोलो। अभी खाने में उतना मज़ा आता है, क्या बोलो। आप लोग खुद बना के ट्राई करो इसको घर पे, आराम से एकदम इजी फ्राई है, आप लोग घर पे खुद बना के खा सकते हो। ये कोई मतलब कि एकदम डिफिकल्ट काम नहीं है कि इसको आप लोग बना के नहीं खा सकते, इजीली कोई भी बना सकता है इसको, इस रेसिपी को। जैसे
जैसे हम लोग बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, वो एकदम से इजी फ्राई है। वो भी आपको इजी है, सब कुछ इजी है, सिर्फ मेहनत चाहिए। अभी हो गया है, निकल दिया मैंने, दूसरा डाला है मैंने, दूसरा ये भी निकाल दूंगा मैं, एक कंटेनर पे निकाल लूंगा। वहाँ पे मैंने टिश्यू देख रखा है क्योंकि उसका जो ऑयल है वो निकल जाए। ऑयली रहेगा तो वो खाने में उतना अच्छा नहीं होता है। वो लोग खाते हैं लेकिन हम लोग के घर पे उतना ऑयल नहीं खाते हैं, क्योंकि ऑयल, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑयल सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं है। जितना कम खाओगे उतना बीमारी नहीं आएगा शरीर पे, ठीक है, जितना ऑयल वगैरह खाओ। मतलब कि हमेशा आप लोग हल्दी ऑयल यूज़ करना हमेशा, जैसे कोई पतंजलि का होता है, और कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई पतंजलि का ऑयल है, जैसे फॉर्च्यून का ऑयल आता है अच्छे अच्छे कंपनी का, वो यूज़ करो हमेशा, फैट्स हमेशा फैटलेस रहोगे आप लोग, ठीक है। हमेशा इसलिए मैं ऐसा ही बोलता हूँ, कोई ऐड आप लोग को ऐसे मेरे मन से ही बोल रहा हूँ। ये देखो मैंने जो पॉप बनाया है वो एकदम से रेडी हो चुका है, क्या बोलूँ। अभी ये गोल्डन कलर का हो गया है, अंदर में नारियल जो फ्राई करके रखा था बढ़िया से बढ़िया बन गया है। अभी इसको मैं ट्राई करवा चुका हूँ मम्मी को, मम्मी ने बोला कि बहुत बढ़िया बना है, मम्मी ने खा लिया है। और मेरे रेसिपी को देखने, ऐसे रेसिपी और भी देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।